जो पॉजिटिविटी रेट था वो 6.89% रहा। अब दिल्ली के अंदर लॉकडाउन जब से लगा है और पिछले 24 अप्रैल से ही लगभग केसेस धीरे 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 कम हो रहे हैं, और अब घटते हुए आंकड़ा जो कि पहले 28,000 से एक दिन में पहुंच गया था, अब वो 6,000 के नीचे होते होते 4,000 के पास पहुंच गया है। सर, जिस तरीके से लॉकडाउन में अभी रेट घटा है, संक्रमण दर लगातार घटी है, तो ये लॉकडाउन क्या अब कितने फीसदी तक आप लोग टारगेट मान के चल रहे हैं कि आ जाने पर आप लॉकडाउन खोल देंगे? देखिए, टारगेट तो मिनिमम जो होता है ना कि 5% से नीचे ही होना चाहिए। दूसरा, 5% भी नहीं, 2% वाला टारगेट इज़ मोर फेयर, कि 2% पे आना चाहिए। जब दिल्ली में अचानक केस बढ़े थे तब वो 1-2% चल रहा था, तो 2% से बढ़ते बढ़ते अचानक 28-36% तक गया दिल्ली के अंदर। तो दो बिल्कुल। जब तेज़ी से बढ़ा था तो बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो इसमें तो क्या ये माना जाए कि जब दिल्ली में 2% पे पॉजिटिविटी रेट आएगी तब लॉकडाउन खोलने के नहीं नहीं आसार मैं हैं? ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, परंतु देखो अभी सिचुएशन पहले से बेटर है, काफ़ी बेटर है पहले से। टारगेट मिनिमम 5% होता ही है, 5% से नीचे तो मतलब ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। अभी हम 6% के आसपास हैं, टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि 2% तक दिल्ली पहुँच जाए जल्दी। तो सर वही अर्थ तो वही है कि अगर टारगेट 2% का है, तो अगर 2% पहुंचा नहीं, तो मेरा हम टारगेट तो जीरो, कि दिल्ली के अंदर एक भी केस ना रहे, दिल्ली में सारे केस ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द। सर वैक्सीन की अभी क्या स्थिति है, क्या देखिए, दूर कोवैक्सीन दिल्ली में ख़त्म हो चुकी है 18 से 44 साल के लोगों के लिए, और 18 से 44 सालों के लिए जो कोविशील्ड है वो भी 2 दिन की लगभग बची हुई सर सरकार की तरफ से कुछ बताया गया कि कब तक कोवैक्सीन मिल पाएगा, नई खेप कब तक आएगी, कुछ ऐसी है। जानकारी आप लोगों केंद्र को? सरकार की तरफ से ना, हाँ हाँ, तो वो बहुत ही अभी 18 से 44 के लिए तो कुछ है ही नहीं। सर, एक जो नया मसला इन दिनों आया है, सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, वैसे लेकर हाइक सिंगापुर की सरकार जो है वो भी भारत सरकार से जवाब तलब कर रही है। ये ख्याल कहाँ से आया सर, ये जानकारी कहाँ से आई, क्या कहना है दिल्ली सरकार का इस पर, इसका ये कहा बता जा रहा है कि देंगे। ऐसा कोई स्ट्रेन है ही नहीं? नहीं, देखिए, स्ट्रेन तो इस टाइम कोरोना के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, जैसे जैसे म्यूटेट होता रहता है वैसे वैसे स्ट्रेन का नाम अलग अलग रखा जाता है। तो इंडिया में कई सारे स्ट्रेन इस टाइम चल रहे हैं, तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगता है, तो शाम तक इसको क्लियर कर लेंगे। अच्छा, सिंगापुर का ये कहना है कि सिंगापुर जो का स्ट्रेन स्ट्रेन बिना कहाँ से आया है, तो जो जो सही बात कही गई जो कही है वो गई है इंडियन वो क्यों, स्ट्रेन है कहाँ ना, से आई ठीक है है वो, सिंगापुर को? इसको बता देंगे आपको। स्ट्रेन तो अलग है ही, ये तो पक्का क्लियर है। आप लेकिन मान रहे हैं कि सर सिंगापुर का स्ट्रेन है ये? देखो, स्ट्रेन सिंगापुर का है, दिल्ली का है, अमेरिका का है, लंदन का है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेन अलग अलग हैं, कोरोना का स्ट्रेन है। लेकिन सर सिंगापुर, सर इसे लेकर जो कंफ्यूजन हो रहा है वो ये कहा जा रहा ये है, किन बता देंगे आपको ना, नहीं देखो अभी 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 डिले ये नहीं कह कर रहे हैं कि ये रहे। पॉलिटिकल वेरिएंट है, कोई वेरिएंट ऐसा है नहीं है, नहीं नहीं वेरिएंट तो कंफ्यूजन देखो, ही हो रहा है। आपको सारे वेरिएंट्स की मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, कितने सारे वेरिएंट्स जो कि बताए गए हैं। देखो, वेरिएंट जितने भी होते हैं उनको पहले जीनोम सिक्वेंसिंग होती है, उसके बाद पता लगता है, और वेरिएंट नहीं है ये कहना तो बहुत गलत है। सर विदेश स्ट्रॉन्ग मंत्री ऑब्जेक्शन जयशंकर कह सिंगापुर रहे हैं ने कि इस जताया तरह है कि के सर बयानों से जो हमारे बहुत पुराने संबंध हैं दूसरे अन्य देशों के साथ में वो डैमेज होते हैं, और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। नहीं, देखिएगा, जब लंदन से फ्लाइट्स आ रही थी, हमने सरकार से कितनी रिक्वेस्ट की थी कि वे लंदन से आने वाली फ़्लाइट्स को रोक लिया जाए। जब सबसे पहले आप 1 साल पहले की बात कीजिएगा, हमने कहा था यूरोप से आने वाली पूरी देश की फ़्लाइट रोक दीजिएगा, तो तब भी हमारे खिलाफ़ कहा गया था भी आप क्यों ऐसी डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर दिल्ली को या देश को हमें बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए तो करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि अभी ये इस तरह का कोई वेरिएंट है नहीं है, यानी कि मैंने आपको सिंगापुर का ऐसा बताया कोई वेरिएंट नहीं है। कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, और आपका ये कहना है कि सिंगापुर में कोई वेरिएंट नहीं है, तो सिंगापुर में तो इसका मतलब केस भी नहीं होना चाहिए था, केस तो है ही। सर ये कहा जा रहा है कि तीसरी जो लहर आएगी कोरोना की, उसमें बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ेगा, तो क्या दिल्ली सरकार बच्चों के लिए अभी से कोई तैयारी कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार बाकी सरकारें अभी से इंतजाम करना शुरू कर दिया? जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है, और दोनों तरह से, कि भी बच्चों के लिए भी, और हो सकता है। देखो, इस बारी जो लहर आई थी अनप्रेसिडेंटेड थी, जो किसी भी एजेंसी ने पहले नहीं कहा था कि ऐसा कोई लहर दोबारा से इतनी तेज़ी से आ सकती है। जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, किसी ने भी कहा नहीं था, इस बार कहा गया है, तो बिल्कुल तैयारी रखेंगे। सर प्लाज्मा को लेकर आप लोगों ने बहुत बड़े इंतजाम किए थे, लेकिन अब प्लाज्मा को प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है, कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से, तो इस पे दिल्ली सरकार का क्या स्टैंड है, और अब जो प्लाज्मा बैंक्स खुले थे उनका का क्या होगा? देखिएगा, ये प्लाज्मा जो थेरेपी है उसको स्पेसिफिक थेरेपी नहीं कहा गया है, स्पेसिफिक में होना, और जितनी भी दवाइयाँ चल रही हैं कोरोना के अंदर
स्पेसिफिक तो कोरोना को इलाज करने वाली एक भी नहीं है। तो जब एक भी दवाई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कहते हैं ना आप बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल ले लीजिएगा, वो दवाई है उसकी, परंतु कोरोना को ठीक करने की स्पेसिफिक दवाई कोई नहीं है। ऐसे उन्होंने क्लियर कहा है कि भी जो आपको देते हैं, हम खून देते हैं, प्लाज्मा थेरेपी देते हैं, उस वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट डॉक्टर्स यूज़ करेंगे, कर रहे हैं तो ठीक है, ये आगे लेकिन चेस्ट सर चलता आप रहेगा जिसको जरूरत वो होगी डॉक्टर के फिर। ऊपर डिपेंड करता है। सर केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने वैक्सीन की किल्लत पर एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ज्यादा कंपनियों को प्रोडक्शन की मंजूरी दे, जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इसकी मांग करते आए हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी जो भी डिमांड्स होती हैं पहले उसका मजाक बनाया जाता है, उसको रिडिक्यूल किया जाता है। सीएम साहब ने सबसे पहले कहा था 45 से ऊपर सबको लगा दो वैक्सीनेशन, एक हफ्ते तक चलता रहा कि गलत है, ये डिमांड ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, फिर उन्होंने कर दिया। फिर उन्होंने कहा 18 से ऊपर सबको लगा दो, तब भी ऐसे ही हुआ। अब हमने कहा भाई देश के अंदर वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी है, सबसे मुश्किल क्या होता है वैक्सीन के अंदर, वैक्सीन के अंदर वैक्सीन की रिसर्च होती है, अगर हमने रिसर्च करके बना ली तो प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो हमारे देश में कहते हैं लगभग 1 करोड़ वैक्सीन रोज की है प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो देश चाहे तो बना सकता है, अपने देश के लिए दूसरों के लिए भी बना सकता है, तो बिल्कुल बनानी चाहिए, उनके मैं बयान का स्वागत करता हूँ, जरूर बनानी सर चाहिए। दिल्ली वालों को क्या बताना चाहेंगे, कब तक आपके पास वैक्सीन की व्यवस्था, और सरकार केंद्र सरकार ने आपको क्या बताया है, 2 दिन की जो आप बात कर रहे हैं अभी इसमें अभी उन्होंने कुछ कोई भरोसा नहीं दिया है। सर क्या तो वैक्सीन प्रोग्राम प्रोग्राम शुरू हो दिल्ली गया है कि आप कुछ पैसा खर्च कीजिए और रशिया जाइए और दोनों डोज लगवाकर और घूम फिर के आप आ सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स चले भी गए हैं, कुछ इसकी जानकारी आप लोगों को मेरी मिली है? जानकारी में नहीं है। सर क्या दिल्ली में सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे? अभी तो हम आशा कर रहे हैं आ जाए शायद। सर बेड्स की स्थिति में सुधार हो रहा है, कोरोना ऐप के मुताबिक 1,000 से ज्यादा बेड्स खाली, क्या आंकड़ा है, क्या स्थिति है अभी देखिए आईसीयू दिल्ली बेड्स में, का? दिल्ली में टोटल 27,000 के करीब इस टाइम बेड अवेलेबल टोटल हैं, जिसमें से 13,000 बेड खाली हैं और 6,500 के करीब आईसीयू बेड्स हैं, जिसमें से 1,200 के करीब बेड अभी खाली हैं, और स्थिति पिछले लगातार कुछ दिनों से बेटर होती जा रही है, दिन प्रतिदिन अच्छी हो रही है, और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल नए केसेज ना ही आए तो अच्छा है। सर ब्लैक फंगस की दवाई की ब्लैक मार्केटिंग की खबरें आ रही है, सर इसको लेकर क्या सरकार कर रही है, सरकार की नजर है, और ब्लैक फंगस देखिएगा को सर मिल ही नहीं रही है, मतलब एक बार पहले तो ये बता दीजिए सर कि क्या नेगेटिव ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है कि कैसे इलाज होगा, कहाँ इलाज होगा? देखिए ब्लैक फंगस का इलाज जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है, अस्पतालों में पहले भी हो रहा था, और ये घर पे इलाज नहीं हो सकता है, तो इसके लिए लोग कह रहे हैं कि बाज़ार में मिलना, बाज़ार की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल्स को बिल्कुल दवाई की कोशिश की जाएगी कि हॉस्पिटल को डायरेक्ट मिल जाए। दवाई का क्या है सर जो मिली नहीं? देखिए उस दवाई की प्रोडक्शन पहले बहुत कम थी, हमने डिमांड की है कि हमारे को बहुत बड़ी मात्रा में इसकी डोज दी जाए। तो क्या ये केंद्र दवाई सरकार से हॉस्पिटल आपने डिमांड आती की है थी? या जी केमिस्ट की शॉप में, मतलब केमिस्ट की शॉप इसका पे देखो अस्पताल के अंदर ही ट्रीटमेंट हो सकता है, आईसीयू के अंदर जो पेशेंट है उसी का ट्रीटमेंट हो सकता है, तो लगभग कितने डोज की डिमांड की है? हमने अभी 1 लाख डिमांड भेजा है। सर अभी अभी कितनी होंगी कि बहुत सारे लोग जो हैं ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं पा रही है, हम लोग भी 2-2 दिन से ढूंढ रहे हैं। अभी इसका स्टॉक का स्टेटस नहीं है। सर ग्रामीण इलाकों में केसेस तो कम रहे लेकिन ग्रामीण इलाकों की स्थिति पर क्या कहेंगे, वहाँ हालात थोड़े से? देखिए दिल्ली के अंदर जो साउथ वेस्ट वाला एरिया है जहाँ पे काफ़ी ग्रामीण इलाके हैं, इस बारी देखने में आया कि इस वाली लहर के अंदर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस थे, और इसीलिए दिल्ली सरकार ने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग वहाँ पे की, एक दिन में 10-10, 12-12 हज़ार एक ही डिस्ट्रिक्ट में हम केसेस टेस्ट कर रहे थे। अब पिछले 4-5 दिन से काफ़ी स्थिति में सुधार आया है, अब वहाँ की पॉजिटिविटी भी काफ़ी कम हो गई है।